की बात करें, एनिमल फिजियोलॉजी की पूरी एक लेक्चर सीरीज हम लोग करेंगे कि किस तरीके से एनिमल जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर कंपोजिशन बना हुआ. ओके, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए. सो दिस लेसन इज ऑल अबाउट द बेसिक. सो आप लोगों को अगर ये लगे कि आप डेप्थ में नहीं जा रहे हो, सो लेट मी क्लियर, ये हमारा फर्स्ट लेसन है और यहाँ से मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ. सो आई होप आपको इससे कोई इश्यू नहीं होगा. सो ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं. सिंपल वर्ड में कहें, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे आपकी जो लिविंग थिंग्स है वो फंक्शन कर रही है. देखो, फिजियोलॉजी को आप एक वर्ड यहाँ से निकाल सकते हो, दैट इज फिजिकल. ठीक है, फिजिकल का मतलब आप सभी को पता है कि फिजिकल का मतलब होता है हमारा आउट ऑफ अपीयरेंस, हमारा मॉर्फोलॉजी. फिजिकल मतलब हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कंपोजिशन, हमारा शेप, हमारा साइज, है ना. सो फिजियोलॉजी क्या होती है, ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो एक्चुअल में डील करती है कि जितने भी लिविंग बॉडीज प्रेजेंट है वो लिविंग बॉडी किस तरीके से बने हुए हैं, किस तरीके से वो लिविंग बॉडी आपकी फंक्शन कर रही है. ठीक है, डेफिनेशन में हमने देखा कि फिजियोलॉजी जो होता है उसमें लिविंग थिंग की फंक्शनैलिटी को हम लोग स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स एक्चुअल में फंक्शन क्या करती है. मतलब क्वेश्चन अराइजेस दे व्हाई फिजियोलॉजी, व्हाई वी वांट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हम फंक्शंस को क्यों पढ़ना चाहते हैं. तो आप देखते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग बॉडी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, राइट. सो इंटरेक्शन के टाइम पे आप देखते हो कि यहाँ पे एक्सचेंज भी होता है, बाई डायरेक्शनल चेंजेस होता है, यानी कि हम अपने एनवायरमेंट के साथ हमारी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ हम लोग एक्सचेंज करते हैं. सो उस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या एनवायरमेंट फैक्टर हमें अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा बॉडी साइज हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से बना होता है, कैसे हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, सराउंडिंग एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए अपने आप को हम लोग बोल सकते हैं शेप, अपने एक पर्टिकुलर शेप या साइज में वो कन्वर्ट होती है. ठीक है, सो फिजियोलॉजी का मेन गोल होता है कि हम फिजिकल और केमिकल दोनों ही फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि जो भी लिविंग बॉडी है उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है, वो किस तरीके से डेवलप कर रही है और उसका प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ कैसा है. ठीक है, सो फिजियोलॉजी इट इंक्लूड द केमिकल फैक्टर एज वेल एज द फिजिकल फैक्टर. केमिकल फैक्टर जिसमें बेसिकली हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड वी टॉक अबाउट द फिजिकल फैक्टर मींस हम उसका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं. ठीक है, बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरली डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का मतलब वो एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ में. तो फिजियोलॉजी में हम लोग दोनों ही फैक्टर को डिस्कस करते हैं, बट केमिकल फैक्टर आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे किस तरीके से बायोमोलिक्यूल लेवल पे आपकी जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो बायोमोलिक्यूल्स को बना रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, डीएनए बन रहा है ना, वो सारी चीजें आपकी बायोकेमिस्ट्री की है. हम लोग यहाँ पे फिजिकल फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी फिजिकल कंपोजिशन और कैसे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन के केस में आप देखते हो हमारा ह्यूमन का एक बॉडी है बहुत ही, आप देखोगे कि ह्यूमन का जो बॉडी है बाहर से एकदम रफ एंड टफ नजर आता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी एक ड्रम की तरह है. ड्रम का मतलब जैसे ड्रम आपका होता है बाहर से आपको रफ एंड टफ दिखाई देता है, अंदर से वो आपका एक होलो स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो होलो स्ट्रक्चर के जैसे ही आपकी ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो होलो स्ट्रक्चर होती है. होलो है मतलब उसके अंदर एक कैविटी लाइक कोई खाली स्पेस भी प्रेजेंट होगा, और जब हम ह्यूमन की बॉडी की बात करते हैं तो वहां पे जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सिलोमिक बॉडी. ओके, आई थिंक द स्पेलिंग इज रॉन्ग. सिलोमिक बॉडी और द सेंट्रिक कैविटी हम जिसे कहते हैं. सो ह्यूमन की बॉडी एक खाली ड्रम के जैसी है जिसके अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, और उस खाली स्पेस के अंदर आप देखते हो बहुत सारा फ्लूइड भी भरा होता है. ठीक है, वो फ्लूइड क्या होता है, ईसीएफ, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बहुत सारे ऑर्गन उसी फ्लूइड के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं. अब ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर लेते हैं अगर इसकी बात आई है तो देखिए आपकी बॉडी हमने कहा एक खाली ड्रम की जैसी होती है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बहुत उसके अंदर एक एंट्रिक कैविटी प्रेजेंट होती है, सेंटर में कैविटी है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे हमारी कैविटी में प्रेजेंट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमारा हो गया थॉरेक्स रीजन. ठीक है, थॉरेक्स रीजन के साथ साथ या हम इसे थॉरेसिस कैविटी भी बोल सकते हैं,
उससे आप थोड़ा सा अगर ह्यूमन बॉडी में नीचे जाते हो तो उसके अंदर आप देखते हो हमारी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से फिर थोड़ा सा नीचे अगर आप जाते हो तो हमारी आती है पैल्विक कैविटी, ठीक है। और अलग अलग कैविटी के अंदर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन बेसिकली आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऑर्गन्स होते हैं कि जब बहुत सारी सेल्स आपका मिलके एक सिमिलर फंक्शन को अगर परफॉर्म कर रही होती है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो टिश्यू को बनाती है। और ऐसे ही टिश्यू जब दो चार मिल जाते हैं तो फिर ऑर्गन बन जाता है। और ऐसे ही ऑर्गन जब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो जब हम ह्यूमन की बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब ये कि ह्यूमन की बॉडी बहुत ही वेल रेगुलेटेड मैनर में काम कर रही होती है। अब रेगुलेशन क्यों जरूरी है? और उसी के साथ एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टैटिक, ठीक है, होम्योस्टैटिक। सो रेगुलेशन होम्योस्टैटिक मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन की जरूरत ही क्या थी, इतना सारा रेगुलेशन की जरूरत ही क्या थी? तो क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी जस्ट लाइक आप जब एक सिंपल सेल की बात करते हैं, हम लोग एक सिंपल सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, आप सभी ने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल होता है हमारे पास, एक सिंपल सेल है, ठीक है, एक सिंपल सेल है। उस सिंपल सेल में आप देखोगे कि एक सिंपल सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपकी क्या कर सकती है कि ये आपकी कैपेबल है कि ये बेसिक जो हमारे फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकती है। और ये बेसिक फंक्शन हमारे क्या होते हैं? ये बेसिक फंक्शन हमारे होते हैं कि ये आपके नॉर्मल मतलब रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकती है, ये सस्टेन कर सकती है लाइफ को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट मैनर। बट जब ऐसे ही सेल मिल जाती है तो टिश्यू बनता है, और ऐसे टिश्यू मिल जाते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है, और ये अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे हमारा अलग अलग बॉडी पोर्शन आपको दिखाया हुआ है जिसमें अलग अलग ऑर्गन, जैसे यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम दिखाया हुआ है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, या मस्कुलर सिस्टम देखते हो। बेसिकली ये जो अलग अलग सिस्टम है इनका फंक्शन क्या होता है, इन अलग अलग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करना, लेकिन कोऑर्डिनेशन में, ताकि जो एक्सचेंज हो रहा है एनवायरमेंट के साथ उसके हिसाब से हमारी इंटरनल बॉडी एक होम्योस्टैटिक या रेगुलेटेड कंडीशन को मेंटेन करके रख पाए, ठीक है। होम्योस्टैटिक का मतलब क्या होता है? होम्योस्टैटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी एक वेल रेगुलेटेड मैनर में काम करे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में एक स्टेबल कंडीशन यहाँ पे बनी रहे, तो उसे हम कहते हैं होम्योस्टैटिक कंडीशन। और इसी होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन के लिए आपकी बॉडी की अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड मैनर में, स्पेसिफाइड वे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो ह्यूमन बॉडी बात करते हो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, और बेसिकली फिजियोलॉजी के अंदर हम इन्हीं अलग अलग सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कौन सा सिस्टम किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे वो स्पेसिफाइड है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कैसे वो रेगुलेट भी कर रहा है, यानी कि एक ऑर्गन खुद तो फंक्शन परफॉर्म कर ही रहा है, बाकी वो दूसरे ऑर्गन को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है रेगुलेशन में होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस को हम क्या बोल सकते हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली मेक एडजस्टमेंट टू मेंटेन द इंटरनल कंसिस्टेंसी। ओके, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख सकती हूँ कि होम्योस्टैटिक क्या होगा, होम्योस्टैसिस इज द एग्जिस्टेंस existence of existence of regulatory system that automatically make adjustment to maintain the internal consistency, right?
सो इसी होम्योस्टेसिस के स्टेट को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट जो है वो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट लेसन होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ वन बाय वन हम एक एक लेक्चर को लेके चलेंगे, एक एक सिस्टम को लेके चलेंगे, ताकि हम समझ पाए कि किस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो काम करती है. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है, ताकि एक जो प्रोसेस है होम्योस्टैटिक की जो स्टेट है उसे मेंटेन करके रखा जा सके. जैसे अगर हम कहें कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी की बात करें, स्पेसिफिकली द ह्यूमन बॉडी की बात करें, सो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग तरीके से बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. एग्जाम्पल के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है. दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी. ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को रेगुलेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज आप देखते हो रेस्पिरेशन के टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो गैसेस एक्सचेंज करती है. दिस गैसेस एक्सचेंज इज नेसेसरी फॉर, किस लिए जरूरी होता है कि जो बॉडी होती है उसे होम्योस्टैटिक की स्टेट को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी तो चाहिए ही होगी. अब हम डायरेक्ट सन से तो एनर्जी ले नहीं सकते, प्लांट से हमें वो एनर्जी मिलती है, राइट? आपने पढ़ा होगा 10% रूल, है ना? तो उस तरीके से जो हमारी बॉडी होती है, जो वो प्लांट को एज अ फूड या कोई भी आपका फूड मटेरियल है उसको कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी उस फूड मटेरियल से एनर्जी का प्रोडक्शन करती है. कैसे प्रोडक्शन करेगी? पहले उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में वो आपका डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टिश्यू पार्ट के अंदर चला जाएगा थ्रू दी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. उसको न्यूट्रिशन मटेरियल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग ऑर्गन तक, अलग अलग बॉडी पार्ट तक. वहां पे जाके आपका सेलुलर, वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जहां पे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देखते हो, जहां एटीपी का प्रोडक्शन होता है. सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट अलग आपका रेगुलेटेड मैनर में काम कर रहा है. और इसका मेन फंक्शन क्या है कि इतना सारा जो तामझोल है आपका ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो क्यों है? ताकि हम एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को अडेप्ट कर पाए, है ना? और उसी के लिए आपकी सारी जो भी आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है वो सारा उसी के लिए चल रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि हमें इन शॉर्ट इस होमोस्टैटिक की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. और ये एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? एनर्जी हमें तब मिलेगी जब हम फूड को कंज्यूम करेंगे. फूड को कंज्यूम करने के बाद उसका डाइजेशन होगा. अब डाइजेशन क्यों जरूरी है? डाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्टली तो फूड को, ऐसा होता नहीं है कि ऑर्गन ने फूड उठाया और ठीक है उसे आपने एटीपी बना लिया. नहीं, फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन भी करना होता है. तो इसीलिए पहले डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड का ब्रेक डाउन करेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे जैसे ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद वो एब्जॉर्ब लाइक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है. अब उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? उस न्यूट्रिशन मटेरियल को डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ट्रांसफर करेगा अलग अलग ऑर्गन तक, अलग अलग टिश्यू तक, अलग अलग बॉडी पार्ट तक, ताकि वो सेल जो है वो आपका इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिपेंडेंट लेवल पे एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के फॉर्मेशन में, होमोस्टैटिक की कंडीशन को मेंटेन करने में. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे सिस्टम आपके एक वेल रेगुलेटेड मैनर में काम करते हैं, और वो रेगुलेटेड मैनर में काम भी करते हैं और बॉडी को मैनेज भी करके रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके का इम्बैलेंस जनरेट ना हो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में. ठीक है, दूसरा अगर हम कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी की बात करें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमारे लिवर है और हमारी पेनक्रियाज है. लिवर और पेनक्रियास का फंक्शन क्या होता है? देखो, लिवर और पेनक्रियास, वैसे तो लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट हम शॉर्ट टर्म में कहें तो लिवर का फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है कि आपका ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना, ब्लड के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखेगा, मतलब ये भी रेगुलेशन कर रहा है. तीसरा रेगुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल आप किडनी ले सकते हो. जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी क्या करती है? हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है, आप डाइजेशन हुआ है तो डाइजेशन होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना. जो एसेंशियल पोर्शन है वो तो ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो आपका नॉन एसेंशियल पोर्शन है जिसका कोई जरूरत नहीं है बॉडी के अंदर, उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा,
और एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ साथ आपका प्योरिफिकेशन भी होता है, जिसमें आपने देखा होगा ना कि आपका किडनी जो है वो ब्लड को प्योरिफाई करती है, राइट? सो किडनी ये कैसे रेगुलेट करेगी, ये आपके हाइड्रोजन, आपके सोडियम, पोटाशियम, फोस्फेट लेवल को मेंटेन करके रखती है ब्लड के अंदर, राइट? ओके, सो दिस इज द लेक्चर अबाउट द बेसिक फिजियोलॉजी कि भी क्यों हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम किस तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट को समझेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे हमारा हमारा मेन फंक्शन क्या है, हमारा मेन फंक्शन है कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन करना है, हमें स्टेट को मेंटेन करके रखना है, तो इसीलिए हम लोग हमारा जो पहला सिस्टम लेंगे दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हम पहले ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट से फूड को कंज्यूम करते हैं और उस फूड को कंज्यूम करने के बाद हम उसका डाइजेशन करते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारा मेनली डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंप्लीट फूड सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सॉरी, टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल कन्वर्टेबल और एब्जॉर्बल फॉर्म्स, सो दैट आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इजिली एब्जॉर्ब कर पाए उन फूड मटेरियल को और उसे आपका सर्कुलेट करके अलग अलग बॉडी पार्ट तक उसे ट्रांसफर कर पाए, ठीक है? सो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा देखो, यहाँ से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, आप सिंपली जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन योर ओन बॉडी, आप खुद की बॉडी को इमेजिन करके चलिए कि हम अपनी ही बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम हमारा बॉडी देखते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने अभी तक पढ़ा ही होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज द एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें मेनली हमारी दो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इसके साथ साथ हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है, मल्टीपल यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है और हम लोग यहाँ पे ब्रीफली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को भी अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद आपका होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट? ओके, सो दिस इज द बेसिक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हमारी एलिमेंट्री केनाल है, उस एलिमेंट्री केनाल के अंदर कहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कहाँ हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक स्टार्ट होता है। बेसिकली गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर आपकी इंटेस्टाइन आती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारा एसेसरी ग्लैंड होगा। सो एसेसरी ग्लैंड के अंदर हम लोग वन बाय वन जो एक एक ग्लैंड हमारी उसको डिस्कस करेंगे, ओके?